स्टूडेंट्स, आई एम ब्रजेश त्रिपाठी फ्रॉम चंद्रा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल आनंद नगर महाराजगंज। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर क्लास फोर्थ का पेज नंबर 10 तक हम आपको बता चुके थे, और अब ये हम जो है क्लास फोर्थ का पेज नंबर 11 बताने जा रहे हैं। इस पेज नंबर 10 में आपको डायनासॉर्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, हम एक एक सेंटेंस और उसका अर्थ हिंदी में बताते जाएंगे और आप ध्यान देते जाइएगा। देखिए, लिखा है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ए लॉन्ग टाइम बिफोर मैन अपीयर्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मतलब लाखों वर्ष पहले जो है मतलब पृथ्वी के सतह पे, फेस पे, मतलब मैन से बिफोर मैन, मतलब मैन के अपीयर्ड, मतलब मैन के अपीयर्ड होने से पहले भी एक बहुत बड़े जो है जानवर आए। देयर लिव्ड एनिमल गिगांटिक इन साइज, मतलब पृथ्वी के अपीयर्ड होने से पहले ही एक जानवर आए जो बहुत ही आकार में बड़े थे। दे वेयर द रेप्टाइल, वे जो है रेप्टाइल्स कहलाते थे। रेप्टाइल्स का अर्थ तो होता है स्टूडेंट्स, जो रेंग रेंग के पृथ्वी पे चलते हैं जो जीव, उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। फिर दे वेयर द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, मतलब कि ये जो है अर्थ पे बहुत बड़े ही जानवर थे। ये अर्थ पे रहने वाले जो है अब तक के रहने वाले बहुत बड़े जानवर थे, बहुत बड़े एनिमल थे। मोस्ट ऑफ देम वेयर प्लांट ईटर्स बट सम वेयर फ्लेश ईटर्स, कुछ इसमें से जो है प्लांट ईटर्स थे, मतलब पौधों को खाते थे, लेकिन कुछ जो है मांसाहारी थे, जो कि मांस भी खाते थे। दे वेयर कॉल्ड द डायनासोर, वे उन्हें हम जो है डायनासोर कहते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे फिगर में आपको बहुत सारे डायनासोर के प्रजातियों के बारे में दिया गया है, जैसे स्टेगोसारस, एंकिलोसार्स, प्लेटियोसार्स और टोरोसार्स। ठीक है, ये सब डायनासोर्स के जो है प्रजातियाँ हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ए से एस आर नो, मतलब आप एस आर नो जो है बताइए। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर डायनासोर्स रेप्टाइल्स, क्या डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे, तो आपको अभी ऊपर ही बताए हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताए हैं कि एनिमल्स जो थे पृथ्वी पे आए, उसके बाद जो है ये बहुत बड़े साइज में थे और वे रेप्टाइल्स कहलाते थे। दे वेयर द रेप्टाइल, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एस। तो वेयर डायनासोर रेप्टाइल, तो एस लिखेंगे। फिर सेकेंड, आर डायनासोर्स अलाइव नाउ, क्या अभी भी जो है डायनासोर जो जीवित हैं, तो इसका भी आंसर है स्टूडेंट्स एस। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बी, नेम द फेमस मूवीज ऑन डायनासोर्स, मतलब कि एक डायनासोर्स के ऊपर एक जो फेमस मूवी है उसको आपको लिखना है। तो देखिए, आप लोग इस मूवी को देखे भी होंगे, जुरासिक पार्क, ये डायनासोर्स के ऊपर ही ये मूवी बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें जुरासिक पार्क इसमें आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यार डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द फर्स्ट डायनासोर्स वेयर नो बिगर देन ए टर्की एंड वॉक्ड ऑन देयर हाइंड लेग्स, मतलब जो फर्स्ट डायनासोर्स था वो टर्की एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, ये बहुत उस टर्की एनिमल से बहुत बड़े नहीं थे और ये जो है अपने पिछले पैरों से चलते भी थे। ओके स्टूडेंट, ये आपका पेज नंबर जो 11 था ये आपका फिनिश हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे। जो पेज नंबर 12 है आपका क्विज टाइम एनिमल किंगडम है, तो इसमें आपको जो है ओनली क्वेश्चन आंसर से ही जो है पूछा गया है। आप देखिए, लिखा है ए, टिक द बॉक्स विद द करेक्ट आंसर, मतलब आपको ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें से कौन जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आते हैं, फ्रॉग है कि ईगल है कि बैट है, तो आप इसका आंसर जो है फ्रॉग को लगाएंगे, फ्रॉग जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आता है। सेकेंड है, डो, फॉन, एंटलर्स एंड वेंसन आर टर्म्स रिलेटेड टू विच एनिमल, डो, फॉन, एंटलर्स एंड वेंसन, ये टर्म जो है किस एनिमल से रिलेटेड हैं, तो ये आपके जो है स्टूडेंट्स डियर से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो आप डियर पे टिक लगाइएगा, बी पे। फिर थर्ड है आपका स्टूडेंट, विच ऑफ दीज कैन नॉट वॉक बैकवर्ड्स, इनमें से कौन जो है पीछे नहीं जो है चल सकता है, पीछे नहीं चल सकता है, आपका तीन ऑप्शन है,
तो तीनों में आप सी पे लगाइएगा, कंगारूज एंड इमूज, सी ऑप्शन सही है इसका। फिर है स्टूडेंट्स ए हिप्पोपोटामस कैन रन फास्टर देन ए। एक हिप्पोपोटामस जो है इनमें से किससे तेज दौड़ सकता है, तो चीता है, मैन है और एंटीलोप है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मैन से जो है तेज दौड़ सकता है। ठीक है, हिप्पोपोटामस कैन रन फास्टर देन, ठीक है। फिफ्थ है व्हाट इज द हॉर्न ऑफ ए राइनोसोरस मेड ऑफ, इनमें से जो है कौन जो है राइनोसोरस के पूछ रहा है राइनोसोरस के हॉर्न जो है किससे बने होते हैं, क्या चीज़, तो इसमें है आंसर आपका हेयर। ओके स्टूडेंट, सिक्स आपका क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मेनी स्टमच कंपार्टमेंट्स डू सीप हैव, मतलब सीप के स्टमच में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर है स्टूडेंट सी फोर, सीप के स्टमक में चार कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, अब देखिए फिर स्टूडेंट बहुत तेज हवा चल रहा है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आपका है बी, बी आता है तो बी में आप ध्यान दीजिएगा, तो बी है आपका नेम द फॉलोइंग एनिमल्स, नेम द फॉलोइंग एनिमल्स स्टूडेंट, तो नेम द फॉलोइंग एनिमल, पहला क्वेश्चन जो है वह द स्मॉलेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड, तो स्मॉलेस्ट डॉग मतलब वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट डॉग है सबसे छोटा कुत्ता उसका क्या नाम है, उसका नाम है देख रहे होंगे ड्वार्फ गोबी, तो आप वहाँ पे ड्वार्फ गोबी फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड है द हेवीएस्ट स्नेक मतलब सबसे भारी सांप, इसका नाम है अनाकोंडा, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारी मूवीज अनाकोंडा पे देखते होंगे, तो अनाकोंडा सबसे भारी सांप है। थर्ड है द फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड मतलब बहुत तेज स्विमिंग, फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड बहुत तेज़ी से चलने वाला जो स्विमिंग बर्ड है उसका क्या नाम है, इसका नाम है जेंटो पेंगविन। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे जेंटो पेंगविन भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट सी नेम दीज एनिमल्स इन द गिवन स्पेस, आप जो है ये जो एनिमल्स जो फिगर दिए हुए हैं इनको पहचान करके और स्पेस में फिल कीजिए। ये देखिए पहला जो है मांगूज है, दूसरा जो है आर्नगुटन है, ठीक है, तीसरा जो है जियांट पांडा है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट है विच सी एनिमल प्रोड्यूस पर्ल्स, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल जो है पर्ल्स प्रोड्यूस करता है, मतलब मोती प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे एनिमल का नाम स्टूडेंट्स ओइस्टर्स है, ओ वाई एस टी ई आर एस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट विच एनिमल आर कॉल्ड दी वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सी, मतलब किस एनिमल को सी का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, वैक्यूम क्लीनर मतलब जो वैक्यूम क्लीनर जो धूल वगैरह साफ करता है, वैसे सी को ये समुद्र को साफ रखता है, इसका नाम है स्टूडेंट सी कुकुम्बर्स, इस एनिमल का नाम जो है सी कुकुम्बर्स है, जिसको सी का समुद्र का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 इस वीडियो में फिनिश हो चुका है, अब आप इसको अपने कॉपी पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।